गाइस ये गेट 17 का हमारा एक तो प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे बोला है द डिटर्मिनेंट ऑफ 2×2 मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है 50, ठीक है। तो बोला है इफ़ वन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज 10, द अदर आइगन वैल्यू कितना है, ठीक है। एक तो आइगन वैल्यू दिया हुआ है 10, दूसरा आइगन वैल्यू क्या है, ठीक है। मान लेते हैं हमारा दो ठो आइगन वैल्यू है, बोला है लैम्डा 1 और एक ठो मान लेते हैं लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है एक ठो का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ठीक है, और एक ठो का वैल्यू निकालना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, हम लोग मान लेते हैं जो मैट्रिक्स था वो ए मैट्रिक्स था, ठीक है। उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ए था कितना 2×2 का, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो होगा 50। तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग देखेंगे चार नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में आप लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू मॉड है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू मतलब क्या है, लैम्डा 1×लैम्डा 2, ठीक है। मतलब आइगन वैल्यू को हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो तब हो जाएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर आइगन वैल्यू कितना था, लैम्डा 1 था और एक तो लैम्डा 2 था। इसका प्रोडक्ट कितना होगा, लैम्डा 1×लैम्डा 2 हो जाएगा। इसका हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ आइगन वैल्यू में हम लोग देखेंगे चार नंबर में है प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ है मतलब मॉड है, ठीक है। तो मॉड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब देखेंगे लैम्डा 1 का वैल्यू दिया हुआ है 10, लैम्डा 2 का कितना है, यहाँ पे लैम्डा 2 लिखते हैं और मॉड इक्वल टू यहाँ पे है 50, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो लैम्डा 2 हो जाएगा 50/10 इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर हो गया 5, ठीक है। थैंक यू।